अब आपकी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन वीडियो भेजी थी। तीन थर्ड वीडियो में हम ओम्स लॉ, उसका डेरिवेशन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसको हमने डिफाइन किया था थर्ड वीडियो में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे आगे, रेजिस्टिविटी के बाद। देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी लास्ट वीडियो में दिखा दिया था थर्ड में। अब देखिए इसके बाद आता है, जैसे हमने कहा इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल वन एंड एरिया ए वन इज स्ट्रेच्ड, अगर हम किसी वायर को जिसकी लेंथ एल वन है एरिया ए वन है इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं टू चेंज इट्स लेंथ एल टू एंड एरिया ए टू। मतलब हमने वायर को खींचा और स्ट्रेच करके जो उसकी लेंथ है उसको हमने चेंज कर दिया। पहले लेंथ थी L1, अब बाद में लेंथ हो गई L2। पहले लेंथ थी L1, बाद में हो गई L2। पहले एरिया था A1 और बाद में हो गया एरिया A2। ये चेंज कर दो। गिव इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों पे, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, रेजिस्टिविटी। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है जिसमें हम वायर को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और उसकी लेंथ नेचुरली जब खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, रेडियस कम हो जाएगी, वायर पतला हो जाएगा, एरिया कम हो गया, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखो आर वन रो एल अपॉन ए फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कल मैंने बताया था कल की वाली लास्ट वीडियो में कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप वायर को खींचो या उसका लेंथ चेंज करो, उसका एरिया चेंज करो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो रेजिस्टिविटी वही हो गई, लेंथ ये खींचने से पहले L1, एरिया A1 बिफोर स्ट्रेच। स्ट्रेच करने से पहले, आफ्टर स्ट्रेचिंग हमने जब वायर को खींच दिया देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स आर टू इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो चेंज ही नहीं होगी, जो पहले है वही रहेगी, L1 की जगह L2, एरिया की जगह A। अब इसको डिवाइड कर दो, R1 अपॉन R2 रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2, यानी कि L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, इक्वेशन नंबर वन। ये बन गई इक्वेशन। जब भी कोई वायर स्ट्रेच करोगे खींचोगे हमेशा इस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है भाई। अब जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ उसकी बढ़ गई लेकिन एरिया कम हो गया, तो एक ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट रहती है, वो टर्म कौन सी है,
डेट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, खींचने से पहले और खींचने के बाद वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम क्या लिखें, अब वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रैंड और वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच। खींचने से पहले वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, और खींचने के बाद लेंथ इनटू एरिया। अब यहां से आप देखो कि ए टू अपॉन ए वन की वैल्यू एल वन अपॉन एल टू आ गई। और ये कहां रख दें, फर्स्ट में, यहां रख दें फर्स्ट में, आर वन अपॉन आर टू एल वन अपॉन एल टू ए टू अपॉन ए वन L1 अपॉन L2, L1 अपॉन K2 अपॉन A1 को रख दिया। अब आप देखो क्या आया, R1 अपॉन R2 कितना आ गया भाई, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर आ गया। और L1 अपॉन L2 खुद क्या था, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 जो है वो हमने L1 अपॉन L2 रख दिया यहां पे, तो L1 अपॉन L2 दो बार आ गया, स्क्वायर हो गया। अब L1 अपॉन L2 किसके बराबर थे, A2 अपॉन A1। तो अगर लेंथ बड़ा में चेंज आया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर एरिया में चेंज आया है तो ये यूज करो, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, खींचने के बाद रेडियस आर टू है, खींचने के बाद रेडियस हो गई आर टू, खींचने से पहले आर वन पाई आर वन स्क्वायर, कितना आ गया भाई, आर टू अपॉन आर वन की पावर फोर। आर क्या है, रेडियस आर वन, रेडियस ऑफ वायर खींचने से पहले बिफोर स्ट्रेच, आर टू रेडियस ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेच। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी न्यूमरिकल करते समय वायर को स्ट्रेच करा गया है देन क्या यूज करेंगे हम, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तभी तो आएगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू का स्क्वायर, और या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। वो आप देखेंगे क्वेश्चन में, लेंथ चेंज हुई है तो ये यूज करेंगे, एरिया चेंज हुआ है तो। इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे हम कहें क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, अब लेंथ तो भाई खींचने से ही बढ़ेगी, इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस। रेजिस्टिविटी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब लेंथ 10% बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L1 L है तो L2 जो है वो L प्लस 10% ऑफ L, अगर L1 L के बराबर है तो L2 जो है वो कितनी हो गई, L प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एल, यानी कि कितना हो गया, एल प्लस वन बाई टेन एल
यानी एल टू की वैल्यू 11/10L हो गई। तो अगर एल वन एल है तो एल टू कितनी हो गई 11/10L। अब एज वायर इज स्ट्रेच्ड, मैंने बताया स्ट्रेच करने में क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, जो अभी हमने ड्राइव किया उससे आया था। और L1 की जगह हो गया L, खींचने से पहले लेंथ थी L1L, L2 खींचने के बाद 11/10L और इसका भी पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 100/121। एल से एल तो कैंसिल हो गया, यस। अब यहां देखो R1/R2 कितना आया 100/121, इसका मतलब ये हुआ कि R2 की वैल्यू कितनी हो गई 121/100R1, यानी कि R2 की वैल्यू 1.21R1 आ गई। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया 1.21। लेकिन उसने पूछा है कितने परसेंट बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितने परसेंट बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया भाई ये कैसे निकालें, पहले तो कितना बड़ा ये निकालें, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, पहले तो जो बड़ा है R2-R1, R1 पहले था R2 बाद में था, R2 की वैल्यू आ गई 1.21R1 अपॉन ओरिजिनल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, पहले इंक्रीज निकाल लिया, ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया इनटू 100। अब R2 की वैल्यू क्या है 1.21R1-R1/R1 × 100, तो ये आ गया R1 कॉमन ले लो 1.21-1/R1 × 100, यानी कि 0, यानी कि आ गया 21%। रेजिस्टेंस 21%, 21% बढ़ गया। इस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकता है बनकर, रेजिस्टेंस 21%। अब इसके बाद आता है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, किसके लिए, फॉर पहले मेटल्स के लिए, दूसरा एलॉय के लिए, तीसरा सेमीकंडक्टर के लिए, ये हमें बताना है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ मेटल में कैसे वेरी करेगा, एलॉय में कैसे वेरी करेगा, सेमीकंडक्टर। तो देखिए R0 एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज रेजिस्टेंस एट 0°C, 0°C पर जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T°C, 0°C पे रेजिस्टेंस R0 है, T
30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आरटी है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा, ये अल्फा है। तो अल्फा का फॉर्मूला ये होता है आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू डेल्टा टी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन, न्यूमरिकल में यहाँ पे न्यूमरिकल में ऐसे भी यूज होगा। आर वन है पहले रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेजिस्टेंस है आर वन, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस हो गया आर टू अपॉन ओरिजिनल आर वन इंटू डेल्टा टी, अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये है क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कितने रेट से बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस किस रेट से बढ़ रहा है, तेजी तेजी से बढ़ रहा है या हल्के हल्के बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली या बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा है। ये अल्फा हमें ये बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरीके से बढ़ रहा है, हल्के हल्के बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो अब यहां पर सबसे पहले देखिए फॉर मेटल्स, क्योंकि आपको लिखने के हिसाब से शॉर्ट में ही करना है, मेटल्स क्या होता है जो अल्फा है, मैं अल्फा ही लिखूंगा, अब अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर एंड हाई पॉजिटिव है एंड हाई है, इसका हाई इसका मतलब हुआ कि मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता है, मेटल्स में सो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स मेटलिक कंडक्टर क्या होता है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मान लीजिए तो इतनी सी बात एक लाइन में कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर मान लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाए तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप, अगर एग्जाम में पूछा जाए इसको एक्सप्लेन करो तो हमें पता है R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ फॉर मेटल्स मेटलिक कंडक्टर के लिए, ये फॉर्मूला यानी कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉ के, और टॉ किसके था लास्ट वीडियो में बताया था हमने टेम्परेचर के इनवर्सली, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कोई, टेम्परेचर बढ़ने पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा उनका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे टेम्परेचर बढ़ना क्या है, जैसे पानी है, पानी का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा बॉयल हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तेजी से वाइब्रेशन तेज हो गया, वाइब्रेशन तेज हो गया तो देखो दो टक्कर के बीच का टाइम कम हो गया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा
दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम हो गया, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर हम आपसे कहें रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हम अगर इसको एक्सप्लेन करें रेजिस्टिविटी में तो वो भी उसमें भी ये आता है एम अपॉन एन स्क्वायर रेट ऑफ क्या। चलो उसको नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं। अब देखिए इसके बाद याद उसके बाद आता है फॉर एलॉयज। एलॉयज के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन हल्के हल्के लो लो होता है। अल्फा का मतलब यानी कि हम कह सकते हैं फॉर एलॉयज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव है बट लो। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन लो का मतलब हल्के हल्के, टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ तो रहा है अलॉयज का लेकिन बढ़ हल्के हल्के रहा है। अब उससे क्या होगा, जिस चीज का टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस हल्के हल्के बढ़ेगा उसको हम उस चीज के वायर को कहाँ वहां कहाँ यूज करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं कि हमारी रीडिंग गलत ना हो, यानी कि लैब में, जो फिजिक्स लैब में जो एपरेटस में वायर यूज होते हैं, मीटर ब्रिज के एपरेटस में, पोटेंशियोमीटर के एपरेटस में, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे। तो एक्सपेरिमेंट डिवाइस जो है मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, इनमें जो वायर लगते हैं वो एलॉयज के होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज एलॉयज का टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव है लेकिन लो है, टेम्परेचर बढ़ने पर एलॉयज के वायर का रेजिस्टेंस हल्के हल्के बढ़ता। तो उससे क्या होगा, जब रेजिस्टेंस हल्के हल्के बढ़ेगा तो हमारी रीडिंग पे असर इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा, इसलिए एलॉयज वायर हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्वाइल बनाने में यूज होते हैं। That's why, यहां ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, that's why, यानी कि पॉजिटिव बट लो का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये बताना, पॉजिटिव बट लो का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस हल्के हल्के बढ़ता है। That's why, alloys wire as
सर आवाज नहीं आ रही। 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 अच्छा, तो हमने क्या बताया? फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होगा टेम्परेचर के बढ़ने पर। अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विद राइज इन टेम्परेचर। अल्फा नेगेटिव जो होता है वो ये चीज शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का डिक्रीज हो रहा है विद राइज इन टेम्परेचर। एंड सो जब रेजिस्टेंस देखो डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हुआ? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। भाई जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टेंस तो बढ़ गया, उल्टा होता है। अब कारण क्या है? कारण हमने बता रहे हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है ना वो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन शेप। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? सारे एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले क्या हुआ? Atoms are arranged and they are bound with covalent bond. Covalent bond से बंधे हैं। लेकिन जब आपने temperature बढ़ाया तो ये covalent bond टूटना शुरू हो जाते हैं। जब हम temperature बढ़ाते हैं तो covalent bond क्या होते हैं? टूटना शुरू हो जाते हैं। और covalent bond टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गया।
तो हमने एक्सप्लेनेशन अगर पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हैज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और क्या है उसमें, जो एटम्स आर बाउंड विद कोवलेंट बॉन्ड। अब जब कोई चीज कोवलेंट बॉन्ड में बंधी है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, मतलब बॉन्ड है ना कोवलेंट बॉन्ड में। बट व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी, टूटने लगेंगे। लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग। और कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से क्या हुआ, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे वो फ्री हो गए, एंड इलेक्ट्रॉन्स, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कंडक्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। अल्फा नेगेटिव का मतलब ये हुआ, यानी कि कारण क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर में जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिससे कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। होल का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल शो करता है। तो खैर, आप तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, व्हेन मोर एंड मोर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है भाई,